देश भर में महामारी का प्रकोप जारी है, जिसके चलते एक आम आदमी से लेकर बॉलीवुड जगत तक सभी तबके के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं टेलीविजन जगत की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भटनागर को लेकर भी एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। गौरतलब है कि अभिनेत्री दिव्या मुंबई के गोरेगांव स्थित SRB हॉस्पिटल में पिछले कई दिनों से भर्ती थी और उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो पहले उन्हें निमोनिया की शिकायत हुई, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। दिव्या भटनागर पिछले एक महीने से वेंटिलेटर पर थी, लेकिन बावजूद इसके उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी। कई दिनों तक लगातार कोरोना से जंग लड़ते लड़ते आखिरकार दिव्या भटनागर ये जंग हार गई। महज 34 साल की कम उम्र में एक्ट्रेस दिव्या इस दुनिया को और अपने प्रशंसकों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वहीं उनके जाने के बाद दिव्या के सोशल मीडिया से उनका आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने सभी की आंखों में पानी ला दिया। दिव्या के इंस्टाग्राम अकाउंट में लिखा है, आओ चले फिर एक नई उड़ान पर, जहां संस्कार हो, धरोहर हो अपनों की, जिसमें सवाल ना हो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, सवारने चले बनके उसकी प्रीतो, जीत गई तो पिया मोरे, वरना तेरा यार तो हूं ही ना मैं। दरअसल ये पोस्ट उनके भाई देव भटनागर की ओर से लिखी गई है। पोस्ट के अंत में उन्होंने इसकी जानकारी दी है। पोस्ट में आगे लिखा है, एक्टिंग पहला नहीं लेकिन आखिरी प्यार तो बना ही लिया, इस दर्द भरी घड़ी में आप सभी दोस्तों, परिवार और फैंस का बहुत शुक्रिया। बस इतना ही कहना चाहूंगी, आपकी दिव्या भटनागर।